अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शद दीसरू, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के तावड़ू खंड के गांव पचगावा के अंदर। बात अंदाज देखो जुबान मेवात आज तक। यहां पे जिस घर के अंदर हम पहुंचने वाले हैं वो आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि और हीरे कोयले की खानों में पाए जाते हैं। ये जो है मिसाल पूरी स्ट्रीक एक बच्चे पर बैठ रही है जिन्होंने अपने गांव का इलाके का नाम रोशन किया है और बहुत ज़्यादा शील्ड जीतने के बाद भी वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाला है, लेकिन अभी तक ये मेवात की मीडिया ने उसको नहीं दिखाया है क्योंकि कुछ लोग जो है अनपढ़ होते हैं, सादगी भरे होते हैं, वो ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। तो ये जो परिवार है, ये जो एक सिंपल से मकान आपको नजर आ रहा है, इस मकान के बारे में आपको विस्तार से बताऊं कि यहाँ पे ये एक ट्रक ड्राइवर का मकान है और जो शख्स है वो गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने के बावजूद देखिए उसने अपने बच्चों को पढ़ाया है। उसका बेटा आज नेशनल लेवल पर खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। तो इनका जो बेटा है वो चाइना जाने वाला खेलने के लिए एथलेटिक गेमों में। तो जैसे हमारे सूत्रों के हवाले से पता लगा था तो हम इनके गाँव आज पहुँचे हैं। आपको रूबरू कराऊंगा इनकी माता से, इनके पिताजी से और ग्रामीणों से। आइए देखिए, ये इनका मकान है और छोटा सा मकान है। मैं कहना चाहता हूँ कैमरा मैन से घुमा के दिखा दीजिए, पूरा परिवार और आसपास के लोग यहाँ पर सब खड़े हैं। तो मैं अभी इनके पिताजी से मिलना चाहता हूँ और आपसे आपको रूबरू कराऊंगा आखिर क्या बताते हैं और किस तरीके से बच्चा खेलता है। ये इनके पिताजी हैं, ये मेरे सामने चेयर पर बैठे हैं, पीछे कुछ ग्रामीण हैं और काफ़ी सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, कुछ बहनें भी हैं। हम उनकी मम्मी से भी बात करेंगे लेकिन पहले उनके पिताजी से हम बात करना चाहते हैं। यहाँ मैं एक ऐसी गरीब फैमिली के बीच में पहुँचा हूँ जिनका बेटा नेशनल लेवल पर खेलने की तैयारी कर रहा है एथलेटिक गेमों में। उन्होंने ढेर सारे जो अवार्ड जीते हैं और बहुत सारा सर्टिफिकेट उनके पास यहाँ मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दर्जन भर से ज़्यादा यहाँ पर ये उनके अलग अलग तरीके से सर्टिफिकेट हैं और ये बहुत सारे अवार्ड हैं यहाँ पर, शील्ड हैं। तो उनके पिताजी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी बात यह जिसे सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये एक ट्रक ड्राइवर है, लेकिन इस ट्रक ड्राइवर ने अपनी मेहनत और लगन से गाड़ी चला करके बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है और अपने उस बच्चे को एक बड़े लेवल पर खिलाया है। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अयूब खान। अयूब खान, क्या काम करते हो आप? मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ जी। जी, और मेरे 6 लड़की और 2 लड़का। मेरे साथ सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं जी। मेरा पहला लड़का ये जो बड़ा वाला है जी, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है जी, और ये इसका जी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है जी। आज तक किसी मेवात के बच्चे का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं है जी। और जी अब ये चीन खेलने के लिए जा रहा है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरा बच्चा चीन से मेडल लेकर आए जी। देखिए, मेवात का पहला बच्चा है जो इस लेवल तक पहुंच रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब ये बच्चा इतने बड़े लेवल पर खेलने वाला है, बहुत सारे शील्ड अवार्ड सर्टिफिकेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फिर आज तक आपने बताया भी नहीं हमें, आपको पता नहीं था कि हमारे बारे में? इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं जो कमाता हूँ अपने बच्चों पर खर्च कर देता हूँ। मेरे बड़े बेटे का नाम जुनैद खान है जो खेल रहा है ठीक है। देखिए, जुनैद खान पर ये मिसाल बिल्कुल हूबहू स्टिक बैठती है कि कमल के फूल कीचड़ में खिलता है और हीरे कोयले की खानों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े घरानों के बच्चे ही ऊंचे लेवल पर जाते हैं, गरीब घरों के बच्चे भी ऊंचे लेवल पर जा सकते हैं यदि उनकी सोच, उनकी मानसिकता बेहतर हो तो। तो आपको कैसा फील हो रहा है? आपका बच्चा काफ़ी कुछ खेला है, काफ़ी अवार्ड जीते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल पर वो खेलने वाला है। मेरी दिल की तमन्ना यह है कि जी मेरा लड़का ओलंपिक खेले जी। और मेवात का मेडल लेकर आवे और मेवात का नाम ऊंचा करे, और सभी मेवात के जितने बच्चे हैं मैं सभी से यह कहता हूं कि सभी बढ़िया खेलें और सभी देश का नाम, सभी अपनी मेवात का नाम ऊंचा करें। जी जी जी, ठीक है।
देखिए उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि उन्होंने अपने मेवात क्षेत्र का हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है, तो अच्छी बात है। तो मैं इनकी माताजी से भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है दादाजी आपका? रमजान। कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस यही है जी, और क्या, अच्छा नंबर लावे। अच्छा। बढ़िया, अमरीका जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अच्छा अच्छा, बढ़िया नॉलेज है इसकी। जी ताऊ, क्या कहना चाहते हो इस बच्चे के बारे में? ये बच्चे के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, अब बढ़िया खेले जी और बढ़िया बहादुरी लेके अपने देश के मारे आवे। जी सर, क्या नाम आपका? सौरभ। सौरभ साहब, आप बताइए, जिस तरीके से बच्चे ने नाम रोशन किया है और आगे भी करेगा? हम तो ये कहा जाए, हमने सब सारे गांव में ही सारी खुशी, दूसरे नंबर ये है जी, पूरे गाँव में पूरे इलाके की खुशी है बात। हम ही तो एक जानकार ना सभी, हम तो अगर जानकार गांव का सरपंच भी, लेकिन हम जानने के बावजूद होते तो कुछ और ही बात होती। बहुत दिन से मेहनत कर रहा है बच्चा। अच्छा। अगर आप जैसे एक पल्ले पड़ती तो कुछ हमारे नाम नू पतो पड़ती, फलाना बच्चा फलाना गांव में ऐसा है। हम तो हमारी यही दुआ है जी, हमारा बच्चा बढ़िया खेले और जासु देश को नाम बड़ो होवे, गाँव को नाम बड़ो होवे, हमारी यही दुआ है। ठीक है। देखिए अभी जुनैद का भाई मेरे साथ जुड़ा है। जुनैद भाई, पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। ये सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, आप अपने भाई के बारे में बताइए। मेरा वो गेम है, क्योंकि हम तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे भाई बहन जो देखते हैं इस चैनल को, तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पूरे तरीके से शुरू से बताइए, कौन सा गेम है, क्या इसमें खेला जाता है? मेरा भाई एक वॉकिंग रेस का एथलीट है जी, और उसे पैदल चाल कहते हैं जी, जिसमें मेरे भाई का नेशनल पे 4 मेडल हैं 4-5 मेडल हैं। एक तो स्कूली नेशनल में मेरे भाई का गोल्ड है और इंडिया रिकॉर्ड भी है जी, और मेरा भाई का ओपन नेशनल में, जूनियर नेशनल में जी, और खेलो इंडिया में गोल्ड है जी, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड है जी, और मेरा भाई का सिलेक्शन एक बार जापान हुआ था, इंटरनेशनल एथलीट है मेरे भाई साहब जी, और मेरे भाई साहब ने कोरोना वायरस से पहले, चलने से पहले, कोविड-19 से पहले मेरा भाई का सिलेक्शन उसमें एशियन गेमों में हुआ था, कोविड-19 के चलते वक्त में उसको रोक दिया गया, इसलिए मेरा भाई का अब इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम है, जिसमें मेरा भाई का सिलेक्शन हो गया। इंशाल्लाह हमारी यही सारे भाइयों से गुजारिश है, सब मेवात के उसके लिए दुआ करें और सपोर्ट करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारे भाई इंशाल्लाह चाइना से मेडल लेकर आए और अपना देश का नाम रोशन करें। और उसने कब 2017 में यहाँ से गया था, आज 4 साल हो गए उसे जी। और इंशाल्लाह उसकी वह घरे नहीं आता, इसलिए क्योंकि उसकी यही ख्वाहिश है कि मेवात के लिए गोल्ड मेडल लेकर ओलंपिक से लौटे, और वह जब ही आएगा मेवात के लिए, जब ओलंपिक से मेडल लेकर आ जाएगा, ठीक है, और हमारा देश का नाम ऊंचा होगा। अयूब साहब, आप बताइए, ये जो यहाँ तक पहुँचा है, जो खेल रहा है, ये उसकी अपनी लगन थी बचपन में या फिर आपकी क्या है? ये मेरा बच्चा पहले से ही, बचपन से ही रेस करता था, वॉक रेस पहले से ही, वैसे रनिंग करता था वो, पहले से ही उसकी दिली तवन्ना थी, वो पढ़ता भी था और वॉक रेस भी रनिंग करता था पहले। वो रनिंग करते करते उसने जी 2013 में जी उसने मेवात मॉडल स्कूल तावड़ू में उसने सपेट जीत लिया जी, 2013 में जब उसने। कितने पैसे कमा लेते हो? मैं 15,000 रुपए, 12,000, 15,000 रुपए कमाता हूँ। हाँ, 15,000। मेरा अपने, मैं लोकल डंपर का ड्राइवर हूँ और अपने 200 किलोमीटर के एरिया में चलता हूँ हरियाणा। पढ़ाई की कुछ आपने? मैं 90 में 10वीं पास कर लिए जी। पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ जी, मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं सब। मैंने लड़की भी सब पढ़ाई है जी। और जी वो 2013 में उसने जी, क्या मैसेज मेवात की जनता को, जिला प्रशासन को या हुकूमत को देना चाहते इस बच्चे को लेकर? बस जी, इसको प्रशासन यही है जी, हरियाणा सरकार इसके लिए कोई बढ़िया नौकरी दे जी, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे और आगे बढ़े जी। देखिए, उनके पिता का सिर्फ यही मैसेज है समाज के लिए कि ऐसे काबिल बच्चे की सपोर्ट करें, और जिला प्रशासन को भी इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। और आज मेवात आज तक के माध्यम से हम आज पूरे मेवात और आसपास के इलाके को इस बच्चे को दिखा रहे हैं, इसके हुनर को, क्योंकि वाकई एक काबिल तारीफ बच्चा है।
बात अंदाज बेखौफ जुबान। आप क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, तो जुनैद भाई आपके साथ ही थे क्या? हाँ, मेरे क्लासमेट हैं और प्रैक्टिस भी करी उनके साथ। जब पढ़ाई करते थे तो पहले से उनका मन था क्या? पहले से मन था, वो खेल में शुरू से अच्छे थे और खेल तो सब करते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग ही था, अलग तरह का जुनून था जी। वो किसी भी अगर बारिश हो रही, आंधी आ रही, प्रैक्टिस छोड़ते नहीं थे जी। बहुत जुनून था। आपका एक साथी जो बचपन का है वो इस लेवल तक पहुँच रहा है। हाँ, और इंशाल्लाह आगे पहुँचेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जुनैद भाई जापान जा रहे हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने के लिए, तो ये तमन्ना है मेडल लेकर आए जी देश के लिए और देश का नाम। सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? भैया ये कोई भी वैसे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसा भी। बात अंदाज बेखौफ जुबान। आंटी जी क्या नाम है आपका? नेवा। आपका नाम क्या है? रोशनी। कौन से गांव की आप? भूतला के। अच्छा, जुनैद आपका बेटा है जो कि चाइना जाने वाला है खेलने के लिए। जुनैद आपका बेटा है जो चाइना खेलने के लिए जाने वाला है, काफ़ी सारे गेम उसने खेले हैं, काफ़ी अवार्ड उसने जीते हैं, तो आप एक माँ हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? खूब खुशी होती है। खुशी होती है? खुशी होती है। इस चैनल के माध्यम से जुनैद को क्या कहना चाहती हूँ? वो देखेगा इसको। कोई ऐसे चाहते हैं जो अच्छी कोई नौकरी, बेचारा कोई बढ़िया नौकरी, कोई नौकरी चाहते हैं, खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, खिलाड़ी भी बन जाए जो नाम सर्वा को कर देवे। अच्छा। और खिलाड़ी और वैसे भी विचार जो लग जा ना कर। शुरू से खेलता था? हाँ, शुरू से ही तो सही थे, तो खेलने लगो छोटो से ही, बचपन से ही। तो कुछ कहता था आपसे? कुछ नहीं कहता था। कहता है ना बच्चे की, मैं ये बनूंगा, मैं थानेदार बनूंगा, मास्टर बनूंगा, क्या कहता था? तो कुछ ना कह कर, कहे करे तू, जब मैंने कहे करे मैं बेट, तो कहा कहे टहरा ने डोला करो, पियट के बांध कर पहाड़ में चढ़ा करे। अच्छा, टायर बांध के, जीवड़ा बांध के। मैनू कहे करे लाल तो जैसे डर लगे, तो जब कह कर माई तो ना पता इन मम्मी इन बात अन की। अच्छा, मैं अल्लाह कोई मैं नौकरी दे देगा तो मैं कम खाऊँ। कितने बच्चे आपके? छह छुआ रही हैं, दो लड़का हैं। बच्चे सब पढ़े हैं? सब पढ़ गए। अच्छा, आप क्या लगते हो जी उनकी? मौसी। अच्छा, मौसी जी आप बताइए, चार साल से घर नहीं आया है, कैसा आपको महसूस हो रहा, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, क्या संदेश दोगी? चार साल से आई ना, यही चाह रहे हैं कर लो। इस चैनल को देखेगा, इस खबर को, आप जुनैद से क्या कहना चाहते हैं? जुनैद से यही चाह रहे हैं कि अपनी मेहनत अल्लाह मेहनत भर देवे, और अल्लाह जैसवान मेहनत करी, बालकपन से वक्त मेहनत भरो तो भर जावा, कि जैसवान घर छोड़ रखो है, माँ बाप छोड़ रखो, परिवार छोड़ रखो, तो अपनी मेहनत के लिए छोड़ रखो। अच्छा, तो चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए? नौकरी लगा दे, कोई बेचारा पर खान कमान लग जाए। हाँ, ही नहीं, हम दोनों बहन ही नहीं। हाँ, फोन फान आ जावे राजी खुशी वहाँ से, भाई बेचारे आवे ही नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, ये उनकी माँ है जो पिछले चार सालों से अपने बेटे से नहीं मिली है, बचपन की कुछ बातें बता रही थी, ये उनकी मौसी जी हैं। और ऐसा शख्स मैंने पहली दफ़ा मेवात में देखा जो पिछले चार सालों से लगातार खेलने की कोशिश कर रहा है, कुछ कर पाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मंजिल की तलाश में घूम रहा है, दर दर भटक रहा है, लेकिन चार साल से घर नहीं आया है। तो ज़रूर पूरे मेवात को इस बच्चे की सपोर्ट करनी चाहिए जो चार साल से कुछ बनने के लिए, मेवात का नाम रोशन करने के लिए अपना घर ही छोड़ रखा है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट, तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।